इन दिस केस 12th वाले में हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं वेक्टर के, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो आप लेट से कि ये ए वेक्टर है हमारा, आई कैप इज देयर, टू जे कैप इज देयर, थ्री के कैप इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन रेशियोस की बात करें तो हमारे ए क्या होगा? वन, क्योंकि आई कैप के साथ वन है। बी क्या होगा? टू। सी क्या होगा? थ्री। अब डायरेक्शन रेशियोज आ गई हमारी, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम वेक्टर ए का। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? इट वुड बी 9। सो इट वुड बी √14, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिल गया है? मैग्नीट्यूड मिल गया। और अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, तो कैसे निकलेंगी? ए ओवर ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड, बी ओवर ए मैग्नीट्यूड, देन सी ओवर ए मैग्नीट्यूड। सो वैल्यू क्या बनती है पहली वाली? 1 ओवर √14, 2 ओवर √14, 3 ओवर √14 वुड बी देयर। सो दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन फॉर द 12th पार्ट।